नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सुपर हेल्दी बटर कर्न चैट की रेसिपी, जिसको बनने में लगभग 5 से 10 मिनट के समय मुझे लग गए थे। तो देर ना करते हुए चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मानसून आ चुकी है, तो मानसून के साथ साथ बाज़ार में मिलने लगे हैं कॉर्न। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉर्न लेके अच्छे से उसको बॉयल करके रख लिए थे। पैन में डालेंगे बटर, और बटर जैसे ही मेल्ट होती है ना, हमको ऐसे कॉर्न डाल लेनी है और इसको कुछ ही सेकेंड बस हमको इस तरह से चला लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 या 2 टमाटर को अच्छे से छोटे छोटे चॉप करके टमाटर डाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चला करके 1 से 2 प्याज को भी एकदम बारीक छोटे छोटे चॉप करके यहाँ पे डाल देंगे। टमाटर प्याज डालने के बाद हमको यहाँ पे ज़्यादा कुछ मसाले नहीं ऐड करनी है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे ना, चाट मसाला जो रहती है ना, उसको हम ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और इसमें डाल देंगे। तो चाट मसाले के बाद हमको क्या करनी है, यहाँ पे 1/2 लेमन ले लेनी है और सारे इसके ड्रॉप्स यहाँ पे हमको डाल लेनी है। और लेमन के बाद हमको क्या करनी है, यहाँ पे आपके पास जो भी मिक्सचर हो, जो भी नमकीन हो, उसको ना ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। और उसके बाद में धनिया पत्ती ले लेनी है, छोटे छोटे चॉप करके ऊपर से डाल देंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हो, ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते बच्चे, तो आप लाल मिर्च का ये पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। मुझे तीखा पसंद थी, तो हम बड़े ही खाने वाले थे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी मिर्च पाउडर भी डाल दे रही हूँ। और इसको अच्छे से चला करके ये कॉर्न चाट देख रहे हो ना, सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार हो गए थे। बिल्कुल गर्मा गर्म आपको मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, एकदम गर्मा गर्म कॉर्न चाट मेरी बन करके तैयार हुए थे। लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिखने में ही, उस तरह से इसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छी थी। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और बारिश में मिलना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप भी बाज़ार से लाइए और बनाइए। इस तरह से आप खाइए, बच्चों को खिलाइए और फैमिली को खिलाइए। और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। धनिया पत्ते के साथ साथ मैं ये रेसिपी को एंजॉय करने के लिए जा रही हूँ। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।